वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपका है प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित विनियोग क्या होता है, और दूसरा हमारा है वास्तविक बचत और वास्तविक विनियोग क्या होता है। विनियोग को हम निवेश भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। तो ये अलग अलग आपके जो हिंदी के वर्ड होते हैं उन सभी को आपको ध्यान रखना है। प्रत्याशित जो होता है उसकी जगह आपको इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्स एंटी सेविंग, तो ये भी आपको याद रखना है, या इसको हम कह सकते हैं वांछित। ठीक है, प्रत्याशित जो शब्द होता है उसको हम वांछित कह सकते हैं, नियोजित कह सकते हैं, या योजना जिसकी योजना बनाई जाती है उसको हम कह सकते हैं। जबकि आपका जो यथार्थ वास्तविक हम बाद में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम टॉपिक पढ़ लेते हैं कि हमारा प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित विनियोग क्या होता है या प्रत्याशित निवेश क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रत्याशित बचत की अगर हम बात करें तो प्रत्याशित बचत को हम कहते हैं एक्स एंटे मतलब प्लान, डिजायर मतलब ऐसी बचत जो एक वर्ष की अवधि में हो सकती हैं। अच्छा, बचत कौन करेगा? देखिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इस टॉपिक से संबंधित हमारा। एक तो होता है उपभोक्ता क्षेत्र, ठीक है, उपभोक्ता या जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, घरेलू क्षेत्र आपका होता है हाउस होल्ड या घरेलू क्षेत्र, या इसको हम परिवार भी कह सकते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, परिवार का मतलब हमारा जो परिवार है पर्सनल, उसके बारे में नहीं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं परिवारों का जो समूह एक तरह से, ठीक है, वो आपका क्या है यहाँ पे परिवार है, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। तो एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में जो घरेलू क्षेत्र हैं, जो परिवार हैं, जो लोग हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं उनके द्वारा जो आय के विभिन्न स्तरों पर बचत करने की जो योजना बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित बचत कहते हैं। ठीक है, जैसे लोगों ने अनुमान लगाया कि एक वर्ष की अवधि में जैसे आय कितनी है, माना कि 100 करोड़ रुपये हैं, तो उसमें बचत कितनी होगी, माना कि 50 होगी। ठीक है, अगर इनकम का लेवल बढ़ जाए 200 करोड़ हो जाता है, 300 करोड़ हो जाता है, तो इन आय के विभिन्न स्तर पर बचत कितनी होगी, इसका जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित बचत कहेंगे। ठीक है, प्रत्याशित बचत का मतलब क्या हो गया, ऐसी बचत जिसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिसका अनुमान लगाया जाता है, जिसे लोग भविष्य में प्राप्त करने की आशा रखते हैं। तब एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भविष्य में उसकी इतनी इनकम होगी और उस इनकम में से वो इतना भाग क्या करेगा, बचा लेगा। माना कि उसकी इनकम कितनी होगी, 5,000 रुपये होगी, और उसमें से वो 2,000 रुपये क्या करेगा, बचा लेगा। तो भविष्य में जो पैसा बचा सकता है, जिसका वो अनुमान लगा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्याशित बचत कहेंगे, एक्स एंटे बचत कहेंगे, ठीक है, सेविंग कहेंगे, या इसको हम प्लान सेविंग कह सकते हैं, डिजायर्ड सेविंग कह सकते हैं। ठीक है, प्लान सेविंग या डिजायर्ड सेविंग या फिर एक्स एंटे सेविंग, ये सभी एक ही बातें हैं। प्रत्याशित बचत कह सकते हैं हम हिंदी में, वांछित बचत कह सकते हैं, नियोजित बचत कह सकते हैं, या योजनागत बचत कह सकते हैं, जिसकी योजना बनाई गई है। तो प्रत्याशित बचत का मतलब क्या हो गया, एक वर्ष की अवधि में लोगों के द्वारा या जो परिवार क्षेत्र है हमारा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, उसके द्वारा जो बचत करने की संभावना है, जो बचत वो कर सकते हैं, जो नियोजित बचत हैं, जो वांछित बचत हैं, ठीक है, आय के विभिन्न स्तरों पर बचत करने की जो योजना बनाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्याशित बचत कहेंगे। और प्रत्याशित बचत एक तरह से क्या होती हैं, पहले से लगाए गए अनुमान होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, जिसे लोग भविष्य में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि जब हमारे देश की राष्ट्रीय आय का स्तर कितना होगा, 100 करोड़ रुपये होगा, तो उसमें बचत कितनी होगी, जब राष्ट्रीय आय का स्तर अगर 200 करोड़ हो गया तो उसमें बचत कितनी होगी, मतलब आय के इन विभिन्न स्तरों पर कितना पैसा बचा सकते हैं, ठीक है, उसकी जो योजना बनाई गई है उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्याशित बचत कहेंगे। इसी के साथ दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है साथ ही साथ, वो आपका कौन सा है, प्रत्याशित विनियोग क्या होता है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, या इसको हिंदी में हम प्रत्याशित विनियोग शब्द की जगह हम निवेश शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्याशित निवेश, या प्रत्याशित के साथ में इच्छित निवेश कह सकते हैं, नियोजित निवेश कह सकते हैं। अब देखिए जो बचत की जाती है, बचत तो किसके द्वारा की जाती है, परिवार के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, घरेलू क्षेत्र के द्वारा, जबकि जो विनियोग
किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, फर्मों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फर्म या जिसको हम क्या कह सकते हैं अर्थशास्त्र में, उत्पादक कह सकते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर हैं, फर्म हैं, वो क्या करेगा, निवेश करेगा। तो प्रत्याशित का मतलब क्या हो गया, पूर्वानुमान। ठीक है, मतलब एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में जो फर्म हैं, जो उत्पादक हैं, वो निवेश करने की जो योजना बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्याशित विनियोग कहेंगे। जैसे मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी है, उसने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2024 के अंत में, जैसे कि आपका दिसंबर 2024 में उसके पास में जो मोबाइल का स्टॉक है वो कितना होगा, माना कि 200 करोड़ रुपए के मोबाइल का स्टॉक होगा। तो ये एक तरह से क्या है, प्रत्याशित विनियोग है, प्रत्याशित निवेश है, जिसका एक तरह से उद्यमी ने, फर्मों ने, या हम कह सकते हैं उत्पादकों ने एक तरह से क्या करा है, अनुमान लगाया है, निवेश करने की योजना बनाई है। तो निवेश करने की जो योजना बनाई जाती है फर्मों या उत्पादकों के द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर, कि जब आय का स्तर 100 करोड़ रुपए है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जब आय का स्तर 200 करोड़ रुपए है उस समय कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जब आय का स्तर 300 करोड़ रुपए है उस समय कितना होगा। मतलब आय के इन विभिन्न स्तरों पर उत्पादकों या फर्मों के द्वारा अर्थव्यवस्था में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितना निवेश किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित विनियोग कहते हैं, प्रत्याशित निवेश कहते हैं, या इच्छित निवेश कह सकते हैं, नियोजित निवेश भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है प्रत्याशित बचत जो अनुमान के ऊपर आधारित है, दूसरा हमने पढ़ा प्रत्याशित विनियोग, ये भी अनुमान के ऊपर आधारित है। मतलब दोनों अनुमान के ऊपर आधारित हैं और दोनों का जो निर्धारण है वो एक दूसरे के साथ में संबंधित नहीं है। एक उपभोक्ता परिवार जो निर्णय लेगा वो अपने हिसाब से लेगा, एक फर्म जो निर्णय लेगी, उत्पादक जो निर्णय लेगा वो अपने हिसाब से लेगा। मतलब दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध एक तरह से नहीं है, दोनों के जो निर्णय वो एक तरह से क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रत्याशित बचत हैं और प्रत्याशित विनियोग हैं दोनों का समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये जो आपकी प्रत्याशित बचत हैं और प्रत्याशित निवेश हैं ये दोनों समान हो ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो, जो प्रत्याशित बचत हैं वो आय की तुलना में क्या, सॉरी निवेश की तुलना में क्या हो, ज़्यादा हो, या फिर जो प्रत्याशित निवेश हैं वो बचत की तुलना में ज़्यादा भी हो सकता है, इनका समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, प्रत्याशित विनियोग और प्रत्याशित बचत जो हैं वो समान हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा सेविंग की तुलना में तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से लोगों की बचतें भी क्या होगी, बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, निवेश और जो बचत है वो समान हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्याशित विनियोग और प्रत्याशित बचत की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का समान होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हमारा इसके साथ में आ जाता है वो आपका कौन सा है, वास्तविक बचत और वास्तविक विनियोग क्या होता है। ठीक है, वास्तविक की जगह हम क्या कर सकते हैं, यथार्थ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके लिए यथार्थ बचत भी पूछा जा सकता है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, या एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वास्तविक बचत क्या होती है या यथार्थ बचत क्या होती है। तो देखिए एक वर्ष की अवधि के दौरान आय का कोई एक निश्चित स्तर है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत कितनी है, लोगों के द्वारा वास्तव में जो बचत की जाती है उसी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक बचत कहेंगे। माना कि राष्ट्रीय आय का जो हमारा इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति है 100 करोड़ रुपये का है और उस समय लोगों के द्वारा बचत कितनी की गई, माना कि 40 करोड़ रुपए की। तो ये 40 करोड़ रुपए की जो बचत की गई है आय के इस स्तर पर, ये एक तरह से आपकी क्या है, वास्तविक बचत को प्रदर्शित करती है। और राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन की जाएगी, गणना की जाएगी, उसमें हम एक तरह से क्या करेंगे, इस वास्तविक बचत का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक बचत आपकी क्या हो गई है, एक वर्ष की अवधि के दौरान आय के दिए हुए स्तर पर अर्थव्यवस्था में जो बचत वास्तव में होती है या जिसे वास्तव में प्राप्त किया जा चुका है उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक बचत। प्रत्याशित कौन सी होगी, जिसका भविष्य के लिए अनुमान लगाया गया है, भविष्य में इतनी हो सकती है लेकिन आज हमारी बचत इतनी हो गई है, इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक बचत कहेंगे, जिसे एक तरह से क्या कर लिया गया है, प्राप्त कर लिया गया है।
ठीक है। दूसरा आपका कौन सा, इसमें यथार्थ निवेश या वास्तविक निवेश। तो वास्तविक निवेश क्या होता है, एक वर्ष की अवधि में आय के दीर्घ स्तर पर अर्थव्यवस्था में वास्तव में कितना निवेश किया गया है, वास्तव में जो निवेश किया जा चुका है उसको हम क्या कहेंगे, यथार्थ निवेश कहेंगे। और इसके बाद इसका भी प्रयोग कहाँ पे होता है, राष्ट्रीय आय की गणना में। अब देखिए इसको एक मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जो क्या सोचती है कि वर्ष के अंत में उसके पास में क्या होगा, 200 करोड़ रुपए के मोबाइल का स्टॉक होगा, ठीक है, 200 करोड़ रुपए के मोबाइल का स्टॉक होगा, ये उन्होंने एक तरह से अनुमान लगाया है। तो ये 200 करोड़ रुपए के जो मोबाइल का स्टॉक है, जिसकी योजना बनाई गई है मोबाइल कंपनी के द्वारा, ये आपका क्या है, प्रत्याशित निवेश है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उनके जो मोबाइल हैं वो लोगों को बहुत पसंद आए। अब लोगों को अगर बहुत पसंद आए तो उसकी जो डिमांड है, मांग है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। और मांग कितनी बढ़ गई, माना कि 50 करोड़ रुपए की जो मोबाइल हैं उसकी मांग एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसका मतलब इस 200 करोड़ रुपए की स्टॉक में से अब फर्म जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, 50 करोड़ रुपए के मोबाइल और बेचने पड़ेंगे। इसका मतलब 50 करोड़ के अगर और बिक जाएंगे अब बाद में कितने बचेंगे, 150 करोड़ रुपए के मोबाइल ही उसके पास में बचेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वर्ष के अंत में जो फर्म है उसने अनुमान लगाया कि उसके पास में 200 करोड़ रुपए के मोबाइल होंगे, ये आपका क्या हो गया, प्रत्याशित निवेश। लेकिन मांग बढ़ने से इस 200 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ रुपए के मोबाइल और बिक गए और वर्ष के अंत में उस फर्म के पास में स्टॉक कितना है, 150 करोड़ रुपए का ही है। इसका मतलब ये 150 रुपए करोड़ के जो मोबाइल हैं इस पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आपका क्या है, वास्तविक निवेश है, ठीक है। वास्तविक निवेश कितना हो गया यहाँ पे, 150 करोड़ रुपए, और प्रत्याशित कितना हो गया, 200 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम एक सारणी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो वास्तविक बचत होते हैं और वास्तविक निवेश होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, बराबर, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल होते, कौन से वाले, वास्तविक जो एक्चुअल सेविंग है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, रियल सेविंग और रियल इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश हैं उनका बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। वो कब बराबर होंगे, जब अर्थव्यवस्था में संतुलन है। अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति जब बराबर होती हैं उसी समय क्या होगा, प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक बचत होती है अर्थव्यवस्था में और वास्तविक निवेश होता है वो सदैव क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हमारे पास में अलग अलग अवधि हैं, पहली अवधि है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी अवधि हैं, ठीक है। इसमें उपभोग का स्तर कितना है, ये 140 है, ये 140, ये आपका 145 है, ये 148 है और ये हमारा क्या है, 150 है। उस समय अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित निवेश कितना है, माना कि 60 70 70 70 70 हमने मान लिया, माना कि ये करोड़ में है, जबकि प्रत्याशित बचत कितनी है। तो देखिए पहली अवधि में अगर हम देखते हैं तो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश क्या है, समान, तो इनका समान होना कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पे अगर ये समान है तो हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन समान होना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। समय अवधि 2 3 4 5 में अगर हम देखेंगे तो जो प्रत्याशित निवेश है वो कितना है, 70 करोड़ का है, जबकि प्रत्याशित बचत कितनी, यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 65 है, 66 है, यहाँ पे 68 है। यहाँ पे ये क्या है, अलग अलग है, मतलब प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश जो है उनका बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्ष के अंत में अगर हम देखें इस एक्स अवधि में तो यहाँ पे उपभोग का स्तर कितना है, 160 है, जिसमें प्रत्याशित निवेश कितना है, 70 है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का स्तर कितना है आपका, 230 है, और प्रत्याशित बचत भी कितनी है, 70 है। तो देखिए वर्ष के अंत में हमने देखा है जब अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है तो प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश जो है वो कब बराबर होते हैं, जब अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। बाकी उनका समान होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश जो है वो हमेशा बराबर होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।